फोकस में नहीं है, हम लोग सामान्य तरीके से चर्चा कर लिए थे। अच्छा। आगे का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो मोरवर से जुड़ा हुआ है और मोरवर के बारे में हम लोग बात करेंगे, खासतौर पर चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। इसके बारे में सर क्या हाँ सिकंदर का कोई टॉपिक हम लोग सिकंदर के कारण और प्रभाव, आक्रमण के कारण प्रभाव पर चर्चा हो चुकी है, बाकी इंटरनल लेवल पर है, जब भी मौका मिले तो हम लोग बात कर लेंगे। हमने शुरू में बताया था कोई टॉपिक हम छोड़ेंगे नहीं, और उसी क्रम में अगला जो थर्ड यूनिट है उसका एक महत्वपूर्ण टॉपिक है मौर्य वंश, और मौर्य वंश से जुड़े हुए तीन प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न ये आता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है इसकी उपलब्धियों पर प्रकाश डालिए, अथवा कभी कभी कहकर के आता है इनके प्रशासन पर प्रभाव प्रकाश डालिए। प्रशासन या उपलब्धियां चंद्रगुप्त मौर्य से। दूसरा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है जो बार बार पूछा जाता है, अशोक के धम्म पर प्रकाश डालिए। किस पर? अशोक के धम्म पर प्रकाश डालिए। और कम्पिटिटिव एग्जाम में किसी से एक कदम और आगे बढ़कर पूछा जाता है कि वर्तमान समय की समस्याओं का निजात कैसे अशोक का धम्म प्रस्तुत करता है, या वर्तमान समय से समय की जो समस्याएं हैं क्या उनका निदान अशोक के धम्म से संभव है। तो एक प्रश्न यहाँ से जोड़ के पूछ लेते हैं। और तीसरा और अंतिम महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, मौर्य साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे। मौर्य साम्राज्य के पतन के तो तीन प्रश्न, एक तो मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण, एक अशोक का धम्म, और तीसरा चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन की चर्चा करते हुए उनकी उपलब्धियों पर प्रकाश डालिए, अथवा चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासनिक जो भी महत्व रहा है उस पर प्रकाश डालिए। और क्यों न पूछे, क्योंकि आपको पता है कि लंबे समय के बाद देखा जाए भारत में केंद्रीकृत राज्य व्यवस्था की स्थापना हो रही है, और इसको स्थापित करने का जो श्रेय है वो चंद्रगुप्त मौर्य को जाता है। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि चंद्रगुप्त मौर्य था कौन, और विद्वान इसे किस वर्ण का मानते हैं, इसका मूल निवास स्थान कहाँ पर था, क्योंकि ये लगातार प्रश्न पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य कौन था, इसका मूल निवास स्थान क्या था, किस वर्ण से संबंधित था, और इसके प्रारंभिक दिन कैसे व्यतीत हुए, कहाँ पर व्यतीत हुए, इसकी शिक्षा दीक्षा कैसे पूर्ण हुई, और कैसे एक चरवाहे से एक शासक की इसने यात्रा तय की। एक सामान्य चरवाहा था और आप देख रहे हैं उससे शासक की यात्रा तय की, और इसके पीछे वो कौन से कारण थे, कारण के बारे में, और ऐसा शासक बनाने में उसे इसका महत्वपूर्ण भूमिका या योगदान था, योगदान था। इन सारे संदर्भों में हम लोग बात करेंगे, और हम लोग यह भी देखेंगे कि वास्तव में इस समय मगध का विस्तार कहां तक हो पाया है। और कम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये बात जान लीजिए कि मौर्य वंश से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आपके कुछ टॉपिक क्लियर हों एंशिएंट इंडिया में, जैसे सिंधु सभ्यता, जैसे वैदिक काल, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, जैसे आप मौर्य काल, और अंतिम में थोड़ा कुषाण और आगे पूरी तरह से सातवाहनों की चर्चा करते हुए घूम रही, मान के चलिए कि एंशिएंट इंडिया का लगभग 70% भाग आपने, और ऐसा कोई आज तक एग्जाम नहीं हुआ है जो वनडे क्यों ना हो जिसमें मौर्य वंश से संबंधित प्रश्न ना पूछे गए। तो यहाँ पर थोड़ा हमें इस नज़रिए से भी ध्यान देना है कि सामान्य चर्चा भी करेंगे और वो महत्वपूर्ण छोटे छोटे बिंदुओं पर बात करेंगे जो आपके कम्पिटिटिव एग्जाम और साथ में जिन्हें आप एग्जाम में लिख करके अंडरलाइन करके ज़्यादा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। ये दोनों संदर्भों में आपसे बात होगी। पहला तो लोग बताते हैं कि चंद्रगुप्त जो मौर्य था, इसके जो पिता थे ये वास्तव में नंद वंश में ही एक अधिकारी थे, और इसके पिता की हत्या कर दी गई, और जैसे ही देख रहे हैं पिता की छत्रछाया इसके सर से हटी, एक सामान्य सा व्यक्ति बन गया, और अपनी जीविका को चलाना भी इसके लिए एक चुनौती बन गई। लिहाजा उसी राज्य में इसे चरवाहे का काम करने लगा। लोग बताते हैं कि ये इसका संबंध मुरा जाति से था, इसे जो नेपाल की तराई के क्षेत्र में रहते थे, ऐसा लोगों का मानना है, क्योंकि कोई महत्वपूर्ण शासक तो था नहीं जिससे इसकी वंशावलियों के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी हो प्रारंभिक दिनों में, इसलिए लोगों ने ये कयास लगाया
और साथ में कुछ ग्रंथों में चर्चा भी मिलती है, ये हिमालय के तराई क्षेत्र का रहने वाला था और इसका संबंध मोरा जाति से था। और ख़ास तौर पर ये लोग जो मयूर वगैरह होता है इसको भी ये लोग पालते उलते थे, लेकिन शारीरिक दक्षता भी इन्हें अर्जित थी। और इसके पिता सरकारी सेवा या कहा जाए कि राजकीय सेवा में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे, लेकिन पिता की मृत्यु हो जाने के बाद इसके सामने जीविका का संकट आया और परिणामतः इसने चरवाहे का काम करने लगा, लेकिन याद रहे नंद के ही क्षेत्र में। दूसरी तरफ क्या भूमिका थी कि जो ये नंद वंश है इस वंश का अंतिम शासक घराना था और इसी के राज दरबार में कौटिल्य का नाम हुआ था, इसे कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त कई नामों से हम लोग जानते हैं। और उसने कुछ सलाह दी घरानंद को जो कि प्रजा से संबंधित थी, प्रजा के कर से संबंधित थी, लेकिन यह आवाज घरानंद को नागवार गुजरी और उसने उसको अपमानित करके राजदरबार से निकाल दिया। उसे अपमान का बदला भी लेना था और देखा जाए किसी की तलाश में ही वो आगे निकला था। रास्ते में एक खेल होता है और खेल था उसका नाम राजकीलम। एक छोटे से चबूतरे पर या टीले पर बैठ करके लोगों के बात को सुनना और सही न्याय देना, यही खेल ही था जिसे क्या कहा जाता था। और जब चंद्रगुप्त मौर्य तो भी है एक सामान्य से बालक है जो चरवाहे का काम कर रहा है और ये भी देख रहे हैं कि यहीं से गुजर रहे हैं कौटिल्य, और इसकी प्रतिभा को देख कर वो बड़ा प्रभावित होते हैं। और जो मुख्य चरवाहा होता है उससे 1000 करसापण है उसमें ये मुद्रा मानी जाती है और उसमें इन्होंने इसको खरीद लिया। और इसकी जो शिक्षा दीक्षा थी वो कहाँ पर, तक्षशिला में पूर्ण कराई। और पूर्ण कराने के बाद दो ऐसे विद्वान हैं क्योंकि घरानंद के समकालीन सिकंदर भी था और ये भी है, और केवल दो ऐसे विद्वान है जिसका नाम है काका जस्टिन और दूसरे हैं प्लूटार्क, जिन्होंने इस बात की चर्चा की है कि इसकी मुलाकात तक्षशिला के आसपास सिकंदर से हुई थी। किससे हुई थी? सिकंदर। केवल दो विद्वान और कहीं भी कोई भी चर्चा प्राप्त नहीं होती और न तो कोई भारतीय ग्रंथ में प्राप्त होती है जहाँ पर ये कहा जाए कि सिकंदर की मुलाकात या चतुर्गुप्त मौर्य की मुलाकात सिकंदर से हुई थी। कौन कौन कहा है? जस्टिन और प्लूटार्क। और ये भी कहा है कि इन दोनों के बीच में थोड़ी बहस हुई और चतुर्गुप्त मौर्य को गिरफ्तार करने के लिए सिकंदर ने आदेश दिया, लेकिन उसने कौशल कुशलता चालाकी का परिचय देते हुए वहाँ से भाग निकला और भाग करके कहाँ आया? कौटिल्य के पास। कहाँ पर? कौटिल्य के पास। तब कौटिल्य ने इसकी पीठ को थपथपाया और कहा कि एक राजा में शेर जैसी शौर्यता, वीरता या दहाड़ होनी चाहिए तो लोमड़ी जैसी चालाकी भी होनी चाहिए, और तुमने देखा कि चालाकी का सही परिचय दिया है जो तुम वहाँ से भाग निकले। ठीक, इससे वो बड़ा प्रसन्न होता है और अंततः उसे कहता है कि चलिए ठीक है, साम्राज्य विस्तार की तरफ हम प्रयास करें। और भारत का एक भूभाग होता है, यहाँ से एक नदी है जिंद नदी, और आप देख रहे हैं यहाँ पर भाग और एक पंजाब का भाग। यहाँ पर चूंकि सिकंदर जा चुका है, आपको पता है कि 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु हो चुकी है, उसके कुछ उत्तराधिकारी हैं जो शासन कर रहे हैं। सिंधु नदी के इस पार अफगानिस्तान का एरिया है और यहाँ पर आप देख रहे हैं श्रीलंका शासन कर रहा है। कौन है? श्रीलंका शासन कर रहा है जिसे हम देख रहे हैं सिकंदर का उत्तराधिकारी भी मानते हैं, लेकिन इसका जो क्षेत्र है ये अफगानिस्तान से लेकर के लगभग सिंधु नदी तक है। ठीक, लेकिन एक सिंधु नदी के किनारे आसपास का जो भूभाग है यहाँ पर फिलिप द्वितीय, कौन सा फिलिप द्वितीय का शासन है मान लीजिए, और पंजाब में यूडेमस का शासन है। किसका? यूडेमस का। और सिकंदर अभी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, बस भटक रहे हैं, लेकिन भटक इसी क्षेत्र में रहे हैं। और यहाँ पर देख रहे हैं कि थोड़ा बहुत पंजाब के निचले वाले इलाके में और इस एरिया में प्रयास करते हैं कि हमारा शासन हो, लेकिन ये विफल होते हैं और विफल होने के बाद ये फिर जाते हैं कौटिल्य के बाद। और कौटिल्य ने थोड़ी कूटनीति का परिचय देते हुए बताता है कि जब रोटी गर्म हो तो उसे बीच से नहीं खाना चाहिए, नहीं जल जाओगे,
उसे कहां से? किनारे से। और आप देखिए ये बात इसके जहन में आ गई, लेकिन इसके लिए भी एक सेना चाहिए थी, सैन्यतंत्र चाहिए था, कुछ लोग जो उसका साथ देने वाले हों वो चाहिए थे। ये कैसे हो? इसमें थोड़ा सा देसी और विदेशी का कॉन्सेप्ट आया कि हम भारत के लोग हैं भाई, और आप देख रहे हैं विदेशियों का शासन है, ये ठीक नहीं है। और कुछ लोगों को मिला करके इसने क्या किया? फिलिप की हत्या कर दी। क्या कर दी? और जैसे ही फिलिप की हत्या हुई तो बहुत सारे और भारतीय लोग थे, भारतीय क्षेत्र के लोग थे, जिनका बड़ी तेजी से देखा जाए चंद्रगुप्त मौर्य को साथ प्राप्त हुआ, और उनके भय से यूथिडेमस यहाँ से सीधे अपना योगदान भाग गया, और ये संपूर्ण क्षेत्रों पर किसका अधिकार हो गया? चंद्रगुप्त मौर्य का। और अब स्थिति बेहतर हो गई चंद्रगुप्त मौर्य की। लेकिन इसके बाद आपको पता है कि कौटिल्य का भी एक निश्चय था कि वो अपने अपमान का बदला, यहाँ पर देख रहे एक शासक है धनानंद, से लेना चाहते हैं, और ये पूरी सेना इधर प्रयाग की मगध की तरफ, और बड़े आसानी से इन्होंने धनानंद की हत्या कर दी। और इस पर जिस नवीन राजवंश की स्थापना की उसे हम किस नाम से जानते हैं? मौर्य वंश के नाम से जानते हैं, और वो शासक कोई और नहीं था, मौर्य था। यहाँ पर तो हम देख रहे हैं, लेकिन सेना इसकी बेहतर हो गई थी, और लगभग सिकंदर से ज़्यादा बेहतर हो गई थी। क्यों? क्योंकि स्वयं जस्टिन कहता है, कौन कहता है? जस्टिन कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य की सेना नहीं, ये डाकुओं का गिरोह है। जस्टिन सीधे सीधे कह रहा है, तुषार जस्टिन जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये कह रहा है ये सेना नहीं, डाकुओं का गिरोह है। यानी इसका मतलब है कि बड़ी लूटपाट करने वाली सेना थी, और कहीं के शारीरिक रूप से हष्टपुष्ट सेना थी, निर्भीक सेना थी, निडर सेना थी, और देखा जाए उन्होंने बड़ी निडरता से चंद्रगुप्त मौर्य का साथ दिया। और रही बात संख्या के मामले में, तो घरानंद से बेहतर सैन्य व्यवस्था इनकी हो चुकी थी, क्योंकि प्लूटार्क कह रहा है कि जब देखा जाए चंद्रगुप्त मौर्य अपने 600,000 सेना के साथ, कितना? 600,000, संपूर्ण भारतवर्ष को रौंद डाला। तो कभी कभी छोटे एग्जाम में पूछेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में 600,000 सैनिक शामिल थे, किस विद्वान ने बताया है? तो बताया है। और अगर कहा जाए कि चंद्रगुप्त मौर्य की सेना नहीं, डाकुओं का गिरोह था, नंदवंश का अंतिम रूप से विनाश किसने किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और किसने उनका पूरी तरह से साथ दिया था? कौटिल्य, चाणक्य, जिनका एक अन्य नाम है। यहाँ तक तो आपने देखा कि वास्तव में स्थितियाँ ये रही, अब ये भी संपूर्ण क्षेत्र किसके अधीन हो गया? मौर्य। और इससे पहले कौटिल्य ने एक बात कही थी कि जब कभी भोजन करना हो तो बीच से नहीं, कहाँ से? और इसी के साथ देख रहे हैं अब ये प्रयास कर रहा है 305 ईसा पूर्व में। कब? 305 ईसा पूर्व में एक युद्ध होता है, किसके साथ में? सेल्यूकस के साथ में, और जिसमें सेल्यूकस की पराजय होती है, और इसमें इसके तहत एक संधि भी होती है, और उस संधि के तहत आप देखेंगे कुछ बातें हैं। पहली बात तो यही है कि अफगानिस्तान के 4 महत्वपूर्ण प्रांत हैं जो सेल्यूकस अब चंद्रगुप्त मौर्य को दे देता है, और कौन कौन से प्रांत हैं? अराकोशिया, जब भी आपसे कम्पिटिटिव एग्जाम में मिलान करने के लिए आएगा, यूनानी ग्रंथों में जो प्राचीन नाम है उसकी चर्चा की जाएगी, यूनानी ग्रंथों में जो प्राचीन नाम है और आज के आधुनिक नाम से उसको मिलान करना होगा। तो आप देख रहे हैं अराकोशिया, फिर आप देख रहे हैं जेबडोसिया, कौन सा? जेबडोसिया, परोपनिषदई, और आप देख रहे हैं एरिया, कौन सा? एरिया भी, जिसे हम हेरात के नाम से जानेंगे, किस नाम से? हेरात के नाम से जानेंगे। ये देख रहे हैं इसे हम काबुल के नाम से जानते हैं, और यहाँ पर देख रहे हैं ये मकरान के नाम से जाना जाता है, और ये देख रहे हैं आप कंधार के नाम से जाना जाता है। तो पहले नंबर पर
ये कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र है। प्रोजेक्ट ये जो है वर्तमान समय के नाम है, ठीक है ना। कभी कभी मतदान की जगह पर बलूचिस्तान भी दिया रहता है, तो ये ध्यान रखना है। और इसके अलावा अगर देखें तो एक बहुत उनकी अपनी कन्या है जिसका नाम है हेलेना, क्या नाम है, जिसे कार्नेलिया के नाम से भी जाना जाता है। आप देख रहे हैं जिसे कार्नेलिया का विवाह इसके साथ हो रहा है चंद्रगुप्त, और ये पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह है, पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह है। और आप देख रहे हैं एक महत्वपूर्ण विद्वान है मेगस्थनीज, जिन्होंने इंडिका की रचना की थी, इसकी इंडिका की रचना की थी। और इंडिका के संदर्भ में भी देखेंगे बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। और यह भी कहाँ का राजदूत था उससे पहले, तो आप देखेंगे ये कांधार का था, कहाँ का। कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि मेगस्थनीज कहाँ का राजदूत था जिसे सेलूकस ने चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था, तो कहाँ का था, अराकुसिया का। और आपने देखा कि हेलेना कार्नेलिया के बारे में भी, और राजदूत के तौर पर देखा जाए मेगस्थनीज को भेजा जा रहा है, और बदले में चंद्रगुप्त मौर्य 500 हाथी, कितना 500 हाथी किसको दे रहा है, सेलूकस को। सेलूकस का पूरा नाम सेलूकस निकेटर है, और निकेटर का तात्पर्य विजेता भी होता है। कभी कभी पूछा जा सकता है कि निकेटर का तात्पर्य क्या होता है, तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए, विजेता, ठीक है ना। तो ये कुछ महत्वपूर्ण संधियां हैं। ये कब हो रही है, 303 ईसा पूर्व, 303 में युद्ध कब हो रहा है, 305 में, इसके साथ हो रहा है सेलूकस के साथ में। और इस युद्ध का जो परिणाम है वास्तव में अपमानजनक है सेलूकस के पक्ष में, जिसके चलते हुए उन्हें 4 बिंदुओं पर समझौता करना पड़ता है। और अंतिम में देखा जाए हाथी किसको दिया जा रहा है, और हाथियों का महत्व कम हो चुका है, क्योंकि सिकंदर के आक्रमण के बाद हमारी सैन्य व्यवस्था में सबसे ज्यादा अगर महत्व किसी को दिया जाने लगा तो घोड़े को दिया जाने लगा, ठीक है। ये बातें हैं, कुछ कहना चाहे नहीं, एकदम एकदम बोलिए, हम तो कहेंगे कि बोलना तो वही से कर लीजिए, दिक्कत नहीं। कैसे रख सकते उत्तर पश्चिम ऐसे करके जातियाँ थी जो उत्तर पश्चिम में पाई जाती थी, तो ये कुछ 4-5 जातियाँ नहीं, बस 8-10 जातियों का सम्मिश्रण था कि सेना। और आगे हम लोग देख रहे हैं ये सब आपके प्रश्न का उत्तर ही है, और हम उपलब्धियों की तरफ बढ़ रहे हैं। एक उपलब्धि, राजनीतिक उपलब्धि के अंतर्गत देखा एक सामान्य सा व्यक्ति कैसे अपनी शिक्षा दीक्षा को पूर्ण करके और एक शासक की भूमिका निभाने लगा, और धीरे धीरे करते हुए पंजाब सिंध के आसपास का जो एरिया है और ये मदद के आसपास के भूभाग पर इसने अधिकार कर लिया। और अगर आप देखें तो भारतवर्ष की जो उत्तर पश्चिम की सीमा है वो सीधे सीधे अफगानिस्तान तक विस्तारित हो गई, कहाँ तक विस्तारित हो गई, अफगानिस्तान तक। लेकिन वास्तव में इसका साम्राज्य विस्तार पूरब की तरफ भी था, और पूरब में कहाँ तक था इस बात की पुष्टि इसके एक महत्वपूर्ण अभिलेख से होती है, और जिसका नाम है महास्थान, क्या नाम है, यहाँ पर एक अभिलेख प्राप्त है महास्थान। इस अभिलेख का संबंध जो कि ये बंगाल में है, आजकल बांग्लादेश की तरफ है, देख रहे हैं बंगाल की स्थिति में, और यहाँ से जानकारी प्राप्त होती है कि अकाल पड़ा हुआ था, तो अकाल के दौरान इसने यहाँ पर अन्नागार की स्थापना कराई थी, अन्ना, और एक अकाल रजिस्टर तैयार कराया था, अकाल रजिस्टर तैयार कराया था, जिस पर जो लोग अकाल से प्रभावित थे उनको जीविका को चलाने के लिए कुछ अनाज और आर्थिक सहायता राज्य की तरफ से दी जा रही थी। और इसी बात की पुष्टि वास्तव में एक स्थान है गोरखपुर में, और वहाँ से भी एक अभिलेख प्राप्त है सोगौरा, क्या है, सोगौरा अभिलेख है। और यहाँ से भी देख रहे हैं कि अकाल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। हालांकि अकाल की जो घोषणा है
इसी में देख रहे हैं एक महत्वपूर्ण जैन विद्वान थे जिसका नाम था भद्रबाहु। कितने? भद्रबाहु ने कर दी कि तुम्हारे जीवन काल में 12 वर्षों का अकाल पड़ेगा और इसी अकाल की पुष्टि हमें महास्थान और सोगरों से प्राप्त होती है और जिस पर चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा अकाल रजिस्टर अन्नागार और कहीं कहीं देखा जाए जो लोक सहायता प्राप्त करने का प्रमाण प्राप्त होता है जो संकेत देता है कि कहीं न कहीं बंगाल मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था जिसकी पुष्टि महास्थान नामक अभिलेख से होती है। तो इस तरह से अगर आप देखिए अफगानिस्तान के एरिया से लेकर के ये क्षेत्र किसके अंतर्गत आ गए, ये प्रमाण है, अभिलेखीय प्रमाण है। आपको उपलब्धियों में दिखाना पड़ेगा साम्राज्य स्थान में और पुष्टि भी करवानी पड़ेगी। उसकी कैसे कराएंगे आप? ये अभिलेखीय आधार पर, क्योंकि एक महत्वपूर्ण स्रोत है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानने के लिए और सब स्रोतों का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे आप देखिए तो बौद्ध ग्रंथ में दिव्यावधान, दीपवंश, महावंश और यही नहीं एक महत्वपूर्ण संवाद था मेरे जो पन्नो, इन सबसे हमें मौर्यों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसी प्रकार से कौटिल्य के अर्थशास्त्र, वायु पुराण, इनसे भी हमें मौर्यों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। मेगस्थलीज की इंडिका, जस्टिन, प्लूटार, प्लिनी, डिग्नेस्ट्रैबो, एरियन, नियारकस, इन सब से हमें मौर्यों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, जबकि ये यूनानी ग्रंथ हैं। ऐसे जैन ग्रंथ हैं, परशिष्ट पर्वन आप देखें, जिनसेन, हरे प्रभु सूरी, जिन प्रभु सूरी, इन सब से हमें इसके बारे में, मौर्यों के बारे में। और पुरातात्विक शोध के अंतर्गत देखा जाए तो बुलंदी बाग कुम्भार से प्राप्त इस विशाल राजप्रसाद, अशोक के महत्वपूर्ण अभिलेख, रुद्रदामन के जूनागढ़ जो भी अभिलेख, चंद्रगुप्त मौर्य के अभिलेख, ये सब पुरातात्विक प्रमाण है जो हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी उपलब्ध कराते हैं। जब भी अभी प्रश्नों की शुरुआत करेंगे तो हम पहले पैराग्राफ के बाद दूसरा मेरा पैराग्राफ यही होगा कि मौर्यों के बारे में जानकारी हमें विभिन्न साहित्यिक, पुरातात्विक या कहा जाए विदेशी विवरण से प्राप्त होती है और सभी ग्रंथों का नाम लेकर के अंडरलाइन करना है। जैसे तिब्बती इतिहासकार तारानाथ, जिन्होंने भारत में बौद्ध धर्म का विकास नामक ग्रंथ लिखा, भारत में बौद्ध धर्म का विकास, इसको लिखवा देंगे, ये बहुत जरूरी है। जब आप इसे लिखेंगे, अंडरलाइन करेंगे, तो इसका मतलब टीचर समझेगा कि उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से अध्ययन किया है। केवल ऐसा कहानी नहीं लिखा है इसमें, ये सब साक्ष्यों के आधार पर लिखा गया है, तभी नंबर आपको बेहतर ढंग से मिलेगा। तो एक तो पहले इनके बारे में प्रारंभिक जीवन, इनके बारे में जानने के महत्वपूर्ण स्रोत, और तीसरा राजनीतिक परिदृश्य के अंतर्गत देखा जाए तो कैसे इन्होंने सिंध पर, पंजाब पर और मगध पर अधिकार किया। नेक्स्ट पैराग्राफ में बंगाल पर इनका अधिकार था, इस बात की पुष्टि सोगौरा और महास्थान से प्राप्त अभिलेखों से होती है, जिसमें अकाल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, जिसके तहत इन्होंने अकाल रजिस्टर, जन सहायता के लिए देखा जाए उम्मीद और साथ में अन्नागार, इन सब चीज़ों का यहाँ पर निर्माण कराया था। ये सीधे सीधे दर्शाता है कि न केवल उत्तर पश्चिमी अफगानिस्तान तक, अभी तो आप देख रहे हैं पूर्व में बंगाल तक इनका साम्राज्य विस्तारित था। आगे देखा जाए पश्चिम में, अगर पूर्व से पश्चिम की तरफ जाएँ तो ये जो पोर्शन है यहाँ पर एक झील का निर्माण कराया गया है और इस झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया है और इस समय इसका यहाँ पर राज्यपाल जो था, जो पूरी तरह पुष्यगुप्त था, कौन था? पुष्यगुप्त। कहा जाता है चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण कराया। अशोक के समय में यहाँ पर राज्यपाल तुशास्य था, कौन था? तुशास्य। कई बार चार शासक देता है और उनके राज्यपाल देगा और कहेगा आपस में मिलान करिए आपस में। तो जब चंद्रगुप्त मौर्य का मसला आएगा तो आप क्या मिलान करेंगे? पुष्यगुप्त से अशोक आएंगे तो आप मिलान करेंगे तुशास्य से। तुशास्य भी कहीं मिलता है, का भी मिलता है। तो यहां से देख रहे हैं अशोक के समय में यहाँ का राज्यपाल कौन था, और इस समय देखा जाए बड़े पैमाने पर वर्षा हुई और यह झील टूट गई, जिससे इसने झील को पुनः निर्माण कराया। और ठीक इसी के बाद देख रहे हैं एक महत्वपूर्ण विदेशी हैं, इन देवन शक पालो आते हैं, उनमें शक हैं और शकों का एक महत्वपूर्ण शासक होता है रुद्रदामन। कौन होता है? रुद्रदामन। और रुद्रदामन के समय यहाँ का राज्यपाल कौन है? जैसे आपने देखा यहाँ पर ना, कहाँ गए पहले समय पुष्यगुप्त, तो शास्त्र
यहाँ पर देख रहे हैं वन्य गुप्त आएंगे, कौन से वन्य गुप्त, और इसके बाद आएंगे गुप्त काल में एक महत्वपूर्ण शासक होते हैं स्कंद गुप्त, कौन से, और इस समय यहाँ का राज्यपाल जो रहता है वो पर्णदत्त रहता है, कौन रहता है, बाद में इसका पुत्र चक्रपालित हो जाता है। तो पर्णदत्त देख रहे हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं पुष्यगुप्त, तुषास और वन्यगुप्त, ये चार राज्यपाल देता है और कहता है चारों को आपस में आप क्या करिए, मिलान करिए। तो आपको ये पता होना चाहिए कि वास्तव में सुदर्शन झील के निर्माता कौन थे, और निर्माण कराया होगा तो गुजरात की भूमि उसके क्षेत्र में रही होगी, और रही होगी तो ये संदेश देता है कि उसका साम्राज्य विस्तार कहाँ तक था, पश्चिम में गुजरात तक था, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान तक था, और पूर्व में बंगाल यहाँ है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं गुजरात है, और यहाँ अफगानिस्तान आप देख रहे हैं। और हमने कहा भद्रबाहु ने घोषणा कर दी थी कि वास्तव में 12 वर्षों का काल पड़ेगा, और जैसे ही अकाल की शुरुआत होती है तो इसने अपने पुत्र बिंदुसार को राजगद्दी सुपुर्द करके दक्षिण भारत चला जाता है, कहाँ चला जाता है, दक्षिण भारत, और यहाँ पर एक स्थान है श्रवणबेल गोला जो कि पड़ता है कर्नाटक में, कहाँ पर, कर्नाटक में, और यहाँ पर इसने संलेखना व्रत का पालन करते हुए अपने प्राणों का संलेखना, किसी को संथारा भी कहते हैं, करते हुए प्राणों का त्याग किया। अब देखिए यहाँ पर अगर कर्नाटक इसके क्षेत्र में शामिल ना होता तो भद्रबाहु के साथ वहाँ ना जाता, जो संकेत देता है कि कहीं कहीं कर्नाटक तक इसका विस्तार था, और ये संपूर्ण क्षेत्र आप देख रहे हैं किसके अधीन हो गया था, चंद्रगुप्त मौर्य के अधीन हो गया था। और यही जो कर है, क्या नाम है, श्रवणबेल गोला, यहाँ से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो प्रश्न यह होते हैं कि श्रवणबेल गोला किस धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण स्थल है, जैन, जैन धर्म से, और कोई धर्म नहीं है, जैन धर्म, ध्यान रखिएगा। दूसरा प्रश्न आता है कि यहाँ पर किसकी मूर्ति है, तो बाहुबली की, किसकी, कितनी फीट ऊंची है, 57 फीट एक आसमक पत्थर से बनी हुई है। हर 12 वर्ष पर यहाँ पर एक बड़ा मेले का आयोजन किया जाता है जिसे महामस्तकाभिषेक कहते हैं, महामस्तकाभिषेक कहते हैं। हर 12 वर्ष पर यहाँ पर एक बड़े मेले का आयोजन किया जाता है जिसे क्या कहा जाता है, महामस्तकाभिषेक। और आपको पता है कि यहाँ पर चंद्रगिरी नामक एक बस्ती है, लोगों का मानना है कि इस बस्ती का निर्माण स्वयं चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया है। एक चंद्रगिरी नामक गुफा है माना जाता है जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया है। और आपको पता है कि यही वो स्थान है जहाँ पर संलेखना व्रत द्वारा इन्होंने अपने प्राणों का त्याग किया, तो ये भी एक उपलब्धि आ जाएगी, एक उपलब्धि कहीं ना कहीं देखा जाए पूरे बंगाल पर भी, एक पैराग्राफ, एक पैराग्राफ गुजरात पर, एक पैराग्राफ सिलपत के साथ, एक कर्नाटक, और आप देख रहे हैं इनकी प्रशासनिक व्यवस्था भी उपलब्धि होगी, और लोक कल्याणकारी कार्य के निमित्त ही इन्होंने ये काम किया था, सुदर्शन झील का निर्माण कराया था, बड़ी बड़ी सड़कें भी इन्होंने निर्मित कराई थी, तो ये सब कहीं कहीं इनकी उपलब्धियों के अंतर्गत आएगा। तो जब भी हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में लिखेंगे तो पहला पैराग्राफ उनका एक सामान्य परिचय, दूसरा पैराग्राफ उनके बारे में जानने के महत्वपूर्ण स्रोत, तीसरा महत्वपूर्ण राजनीतिक उपलब्धि क्या थी, फिर आप धार्मिक उपलब्धि देखेंगे, आर्थिक उपलब्धि देखेंगे, सामाजिक भी उपलब्धि थी उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, और लोक कल्याणकारी कार्य थे, और कला स्थापत्य के प्रति भी थोड़ा बहुत संरक्षण दिया गया था। हम इतनी चर्चा जब करेंगे तो लास्ट में एक निष्कर्ष लिखेंगे, और इसके साथ चंद्रगुप्त मौर्य की जो उपलब्धियाँ हैं इससे जुड़ा हुआ प्रश्न आपका कम्प्लीट हो जाएगा। कल एक बार फिर हम चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार पर चर्चा करेंगे, इस पर थोड़ा अन्य पक्षों के बारे में बात करेंगे।